أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंडस्ट्रीज। ये आठवीं जमात के ज्योग्राफिया का लेसन नंबर 5 है, U3 है ये। तो आज हम इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको इसमें इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के बारे में देंगे। इसके बाद इसमें इंडस्ट्रियल रीजन्स आते हैं और आखिर पर हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री क्या है, इससे पहले मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि आपके पास एक नोटबुक है या आपके पास किताब है। क्या आपने कभी सोचा ये किताब आपके पास कैसे पहुंची? तो इसकी जो प्रोसेस है, इसकी जो कहानी है वो इस तरह है कि इसकी लाइफ जो है, यानी आपके पास जो कॉपी है, किताब है, एक दरख्त से शुरू होती है। सबसे पहले जो दरख्त है, जो ट्री है, इसको काट दिया जाता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल में। वहां क्या होता है, जो इस दरख्त की जो लकड़ी है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में, और बाद में उसको केमिकल मिक्स किए जाते हैं और आखिर पर इसको मशीन में भेजा जाता है और वहां पेपर की शक्ल में ये सामने आता है। और जो ये पेपर है इसको बाद में इंक जो है, इस पर इंक डाली जाती है और फिर इस पर प्रिंटेड लाइन्स दी जाती है और ये पेजेस हमारे सामने आते हैं। और बाद में इसको पैक किया जाता है, बाउंड किया जाता है, पैक किया जाता है और फिर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है और आखिर पर ये किताब या कॉपी की शक्ल में हमारे पास आती है। और ये जो एक्टिविटी है दरख्त से लेकर कॉपी तक, इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी हमारे पास पहले रॉ मटेरियल था, फिर हमने इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में तब्दील किया है। यानी हमारे पास लकड़ी थी, फिर इस लकड़ी को हमने वुड पल्प में चेंज किया है और इसके बाद इसको पेपर बनाया गया है और बाद में ये नोटबुक की शक्ल में हमारे सामने आती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। या इस तरह हमारे पास कपड़े होते हैं तो आपको पता होगा ये कपड़े जो हैं ये सिल्क या कॉटन से बनाए जाते हैं। फिर जो ये सिल्क या कॉटन फैबर है ये रॉ मटेरियल होता है, फिर इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जाती है और आखिर पर ये कपड़े की शक्ल में हमारे सामने आती है। तो अब आपने सुना होगा, देखा होगा, अब जो इंडस्ट्री जो है हम इसकी इस तरह डिफिनेशन करेंगे। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी इंडस्ट्री जो है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिर एट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस है, यानी तीन चीज इसमें आती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है ये इस तरह कोल माइनिंग इंडस्ट्री एट्रैक्शन, इसमें जो एट्रैक्शन है एट्रैक्शन है वो कोल है, और जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसमें जो प्रोडक्शन है इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, और इसी तरह जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें सर्विस प्रोवाइड है, यानी जो स्टील एंड इंडस्ट्री है इसमें ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, और कोल माइनिंग इंडस्ट्री ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल है, और इसके बाद जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें सर्विस प्रोवाइड होती है। अब हम देखेंगे जो ये इंडस्ट्री है इसको हम क्लासिफिकेशन जो इसकी है वो इस तरह है कि जो इंडस्ट्रीज है इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, साइज एंड ओनरशिप, यानी तीन चीज है इसमें, एक रॉ मटेरियल है और साइज है और ओनरशिप है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है ये मैंने आपको अभी बताया है कि इंडस्ट्रीज मे बी जो इसकी टाइप्स हैं वो है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, दे यूज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल, यानी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इसमें प्लांट और एनिमल जो है वो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं एज रॉ मटेरियल्स। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरह दूसरी जो मैंने आपको भी बताया है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये दूसरी किस्म है, पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें प्लांट और एनिमल जो है वो इसके प्रोडक्ट्स इसमें इस्तेमाल की जाती है एज रॉ मटेरियल, और दूसरी किस्म जो है वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो जो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है इसमें जो रॉ मटेरियल है वो है मिनरल ओर्स, तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज, आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। तो आपने देखा है जो ये आयरन होता है, ये आयरन ओर जो होता है तो ये पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है मशीनों में, तो इसके बाद इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैवी मशीनरी में या बिल्डिंग मटेरियल्स या रेलवे कोचेस में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद पहले बचा जो तीसरा कस्म है वो है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये ज्यादातर हम समंदरों या समंदर जो है या जो ये सी एंड ओशंस है जो बड़े बड़े ओशंस हैं, तो एज रॉ मटेरियल हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें प्रोसेसिंग है सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल और सम एग्जांपल्स, यानी इसकी जो मिसाल है चाहे समुद्री गुजा हो या जो ये मछलियों का ऑयल है, ये हम एज रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो चौथा कस्म है वो मैंने अभी आपको कहा है वो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से एज रॉ मटेरियल हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया है
कि पल्प जो हमने अभी पढ़ा है, या इस तरह है पेपर है, या इस तरह फर्नीचर बिल्डिंग्स एट्सट्रा, यानी जो ये लकड़ी वगैरह हम फॉरेस्ट हासिल करते हैं, तो ये रॉ मटेरियल है और इसके बाद हम इसको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जो ये इंडस्ट्रीज है, साइज जो इसका साइज है, ये मैंने अभी बताया आपको कि जो इंडस्ट्रीज है दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू रॉ मटेरियल्स साइज एंड ओनरशिप। तो रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह रॉ मटेरियल्स लाते हैं और फिर हम इनको प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब इसका साइज जो है, साइज कैसा होना चाहिए, तो इट रेफर्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो साइज के एतबार से हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है इसमें कितने आदमी इस्तेमाल किए जाते हैं, या इसमें कितने आदमी काम करते हैं, और जो वैल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, जो हम ये इंडस्ट्रीज है हम इसको जो साइज के लिहाज से हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा जो है इसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ कंपनीज हूज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 1 करोड़ रुपीज एंड एम्प्लॉइंग स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। यानी जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक होती है, और इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज हैविंग मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो जो ये लार्ज इंडस्ट्रीज है इसमें क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा होती है, और इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा होते हैं। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय कम होते हैं और इसमें ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको इस तरह मिसाल के जरिए समझाता हूं। सपोज हमारे पास सिलिक वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सिलिक वीविंग है, सपोज हमें कपड़े बनाने हैं, या हमें सिलिक वीविंग है, या हम कभी कभार कालीन बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो इसमें बहुत कम जो एम्प्लॉयज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मिसाल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सपोज मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी। यानी सब हमारे पास जो ये ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी हमारे पास जो गाड़ियां हैं, हमारे पास जो ये एरोप्लेन्स हैं, हमारे पास जो बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, तो इसमें ज्यादा मुलाजिम इस्तेमाल होते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब तीसरी चीज मैंने आपको बताया है कि जब हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं, उनमें 3 चीज होते हैं, रॉ मटेरियल जो हमने पढ़ा है, इस तरह है साइज, ये भी हमने पढ़ा है। अब इसके बाद है इसकी जो तीसरी कसम है वो ओनरशिप है। तो ओनरशिप क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर्स। हम जो ओनरशिप होती है ये हम 2 सेक्टरों में इस्तेमाल तकसीम करते हैं। एक होता है स्टेट ओनर्ड और पब्लिक सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, और दूसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर, और जो तीसरा होता है वो होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, दूसरा है ज्वाइंट सेक्टर, या पब्लिक सेक्टर जो है इसको हम प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा है ज्वाइंट सेक्टर, और जो तीसरा है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्यारे बच्चों, जो प्राइवेट सेक्टर है या जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है इट इज ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी जो ये प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें जो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो ओनर जो इसको ओन करता है,
ये या ऑपरेट करता है ये इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी एक आदमी भी हो सकता है या ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनर्ड एंड ऑपरेटर बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होता है, तो यानी जो मैंने आपको पहले बताया है स्टेट आर ओनर्ड बाय पब्लिक सेक्टर, उसको ओन करता है गवर्नमेंट, ठीक है। सच एज, यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर में एक इंडस्ट्रीज है, वो घड़ियों की इंडस्ट्री है जिसको हम HMT बोलते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, या इस तरह हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्रीज है इसको हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी SAIL, SAIL। तो यानी आपको ये याद रखना है कि जो सेक्टर जिसको ओन करता है या ऑपरेट गवर्नमेंट करता है, तो इसको हम गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है तीसरा कसम, वो है जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, दे आर ओनर्ड एंड ओपनड बाय ए स्टेट एंड मेड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ये ऑपरेट करता है स्टेट करता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी दो तीन दस बीस तीस आदमी इकट्ठे कोई इंडस्ट्री खोलते हैं। तो सपोज यहाँ है इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त है, या हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त जो आपके पास वो गाड़ियां होती है, सपोज मारुति है, सुजुकी है, या जो हमारे पास ये सूमो वगैरह होते हैं, तो ये जो बनाते हैं है, इसकी एक इंडस्ट्री अलग है, इसको हम मारुति उद्योग लिमिटेड इसका नाम है। तो ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है या ये ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, तो ये चीजें बनाते हैं। और इसके बाद जो चौथा कसम है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो इसको जो ओन या ऑपरेट करता है, दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी इनके पास रॉ मटेरियल होते हैं, फिर ये इसको लोगों में तकसीम करते हैं। इसकी मिसाल में आपको इस तरह होता है, हमारे पास दूध होता है, इसमें लिखा हुआ है अमूल, AMUL, जब हम इसकी जो फुल नेम बताते हैं तो वो है अनंत मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी ये अनंत जो है ये एक आदमी है जिसने ये इंडस्ट्री ओन की है, ऑपरेट की है, तो ये लोगों को दूध बेच रहा है, तो ये इंडस्ट्री जो है इसको हम कोऑपरेटिव इंडस्ट्री बोलते हैं। इस तरह और एक कसम है सुधा डेयरी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर, यानी इसके अलावा यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, या हमारे पास ये पोल्ट्री है, ये भी एक छोटी इंडस्ट्री है, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। अब और लास्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है, देयर आर सम फैक्टर्स जो विच आर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वो क्या होता है, यानी किस तरह वो जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, जो हमारी लैंड हैं, वाटर है, लेबर है, पावर है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट है एंड मार्केट है, तो इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वायर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजली अवेलेबल, यानी हम हर जगह इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम इंडस्ट्रीज को हर जगह आप देखते हैं कि हर जगह इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं, ये किसी खास जगह पर होते हैं। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि इसमें जो फैक्टर्स है वो इफेक्टिंग होते हैं, यानी ये इंडस्ट्री जो है ये यहाँ होनी चाहिए जहाँ क्लाइमेट ठीक है, ठीक है, जहाँ जो ये लैंड है वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह जब कहीं इंडस्ट्रीज हम खोलते हैं तो उनको लेबर की जरूरत है, वहां पावर की जरूरत है, वहां ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, वहां पानी की जरूरत है, वहां मार्केट की जरूरत है, ये चीजें जहां भी हो वहां ही हम इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स, यानी जो रॉ मटेरियल है ये भी अवेलेबल होना चाहिए,
लैंड अवेलेबल होने चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज खोलने हैं इसके लिए लैंड होना चाहिए, इसके बाद पानी की जरूरत होती है वो भी वहाँ होना चाहिए, उसके बाद जो लेबर है वो होना चाहिए, पावर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इसके बाद ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें वो चीज़ें बनती है तो इसको हम अब बाजारों में बेचते हैं तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो सम टाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज पावर लावर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड ईच इंफ्रास्ट्रक्चर बट सो दैट इंडस्ट्रीज मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। तो दीज आर सम जो हम आज हमने इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ पढ़ा है, यानी इंडस्ट्रीज क्या है, इसको हम क्लासिफिकेट किस तरह करते हैं, तो इसके जो साइज है वो किस कैसा होना चाहिए, ओनरशिप किस तरह होना चाहिए और फैक्टर्स जो है वो किस तरह होना चाहिए। तो फैक्टर्स में मैंने आपको बताया ये अहम चीज़ है कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, यानी जो चीज़ हमें बनानी है वो हमें दस्तियाब होनी चाहिए। उसके बाद ये इंडस्ट्री जो है ये पावर पर चलती है तो पावर होना चाहिए। उसके बाद हमें जो यहाँ इंडस्ट्री बनानी है तो वहाँ ज़मीन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब इस जो चीज़ हमें बनानी है इसके लिए लेबर की ज़रूरत है, और जब लेबर भी है उसके बाद अब हमने अब चीज़ें बनाई है अब उनको अब मार्केट में डालना है तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आज का जो ज़माना है ये कम्युनिकेशन पर चलता है, यानी आजकल सब कुछ मोबाइल्स पर या इंटरनेट पर चलता है, तो इसके लिए हमें कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, और पानी भी होना चाहिए। तो ये है लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंशाल्लाह कल हम इस जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है या इंडस्ट्रियल रीजन्स है हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।